आइए नासरीन, आज हम आपको कैरी और अनारदाने की चटनी बनाने की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी देते हैं। आप भी सोचते होंगे कैरियों का ये भला कौन सा मौसम है, तो ऑस्ट्रेलिया में आजकल गर्मियों का मौसम है और आमों पर इस वक्त कैरियाँ मौजूद हैं। लेकिन ये कैरी जो है ये बाज़ार से लाई गई कैरी है, हमारे घर की नहीं है। सबसे पहले तो हमने इसका सीड जो है वो अलग कर लेना है और इसके ऊपर से पूरा गूदा जो है वो काट कर उतार लेना है। और ये एक कैरी जो है ये आज की चटनी के लिए बहुत काफ़ी होगी। इसके बाद हमने इसको चॉपर में काट कर डाल लेना है। छोटा चॉपर है तो हम इसको दो स्टेप्स में बनाएंगे, थोड़ी सी पीस के फिर बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। पुदीना लिया है, मिंट हैंडफुल ले लिया होगा और इसको हमने कैरी में डाल दिया है। 5 to 6 हमने ग्रीन चिलीज़ ली हैं जो कि बहुत हॉट हैं, इंडिया की हैं, फ्रोज़न हैं। और उसके बाद हमने इसमें 2 बड़ी मिर्चें डाली हैं जो कि मीडियम हॉट हैं। आम बाज़ार में, बाहर के ममालिक में ये बड़ी वाली मिर्चें जो हैं ये दस्तियाब होती हैं। कैप्सिकम नहीं है लेकिन बहुत तेज़ भी नहीं है, तो इससे यह है कि बहुत अच्छी सी थिक सी बन जाती है और उसमें बहुत अच्छी हरी मिर्चों की खुशबू भी आ जाती है। तो इसके बाद हमने इन सब चीज़ों को जो है वो पीस लेना है। अभी हमने इसमें फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया शामिल नहीं किया है, हमने चाहा कि हम इन चीज़ों को पीस लें, ये थोड़ी नीचे हो जाएं, पिसकर कम रह जाएं, तो फिर हम इसमें हरा धनिया जो है वो ऐड करें। अगर आपके पास बड़ा चॉपर हो तो आप ये सारा कुछ जो है वो एक साथ ही चॉपर में डालकर पीस सकते हैं और यूँ आपकी चटनी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो हमने अब इसमें फ्रेश कोरिएंडर जो है वो काट कर डाल देना है और इसके बाद हमने इसमें अनारदाने का पाउडर डाला है 1 teaspoonful, यानी कि पॉमीग्रेनेट सीड पाउडर 1 teaspoonful, 3/4 teaspoon जो है वो हमने इसमें सॉल्ट का डाला है, नमक का 1/2 teaspoon हमने इसमें चिली पाउडर का डाला है। सुर्ख मिर्चों की चटनी में अपनी ही एक जगह होती है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सुर्ख मिर्च डालना ज़रूरी होता है, तो चटनी जो होती है वो भी एक ऐसी ही चीज़ है जिसमें हरी मिर्चों के अलावा भी आपको लाल मिर्च डालनी पड़ती है। उसका टेस्ट जो है वो बहुत बदल जाता है सुर्ख मिर्च डालने से। और ये देखिए हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल तैयार है। बहुत ही थिक सी, बहुत ही मज़ेदार सी अनारदाने और कैरी की ये चटनी जो है ये तैयार होती है। गर्मियों की दोपहरों में खिचड़ी के साथ, जिस पर बटर लगा हुआ हो, प्लेन साथ योगर्ट हो, दही हो और साथ ये कैरी और अनारदाने की चटनी हो, तो क्या ही बात है। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।